हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएलसी लर्निंग पॉइंट पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था, FX1S, FX1N, FX2N, FX2NC पीएलसी के बारे में, आज के इस वीडियो में हम FX3 सीरीज के पीएलसी के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए, FX3 सीरीज में FX3U, 3UC, ये जो C का मतलब होता है कनेक्टर टाइप, तो ये 3UC कनेक्टर टाइप के पीएलसी होते हैं। 3GE इस तरह के टर्मिनल ब्लॉक टाइप के पीएलसी होते हैं। FX3G की डिटेल मैंने बता दी है पिछले वीडियो में, और FX3GC मॉडल भी एक पीएलसी होता है जिसके अंदर कनेक्टर टाइप के पीएलसी अपने को देखने को मिलते हैं। FX3S पीएलसी जो होता है, इस पीएलसी की खास बात यह है कि इसमें नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट कम होते हैं, मतलब ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पीएलसी होता है, थोड़ा छोटा पीएलसी होता है। अब देखिए, यदि FX3U पीएलसी के बारे में बात करें तो इसमें जो IO पॉइंट्स होते हैं वो 16 से लेकर 256 तक होते हैं, ठीक है ना। और इसकी जो प्रोग्राम साइज़ होती है वो 64K स्टेप तक होती है। और जो FX3UC PLC होता है, इसका भी सेम स्पेसिफिकेशन होता है, बस थोड़ा सा चेंज ये हो जाता है कि इसमें टर्मिनल ब्लॉक टाइप PLC होता है और ये वाला PLC कनेक्टर टाइप होता है, ठीक है ना। अब देखिए, FX3GE इस PLC के बारे में अगर देखें तो इसमें 14 से लेकर 128 पॉइंट अपने IOs के मिल जाते हैं और 32K स्टेप इसका प्रोग्राम साइज अपने को मिलता है, ठीक है ना। FX3G के बारे में यदि बात करें तो 14 से 128 तक IOs के पॉइंट मिल जाते हैं और 32K स्टेप तक इसमें हम प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है ना। इसी में FX3GC एक PLC होता है, इसमें देखिए 32 से 128 तक IOs के पॉइंट मिलते हैं और 32K स्टेप इसका टोटल प्रोग्राम का साइज़ अपने को मिलता है। FX3S PLC के बारे में बात करें तो इसमें जो IO पॉइंट होते हैं वो 10 से 30 पॉइंट तक होते हैं और प्रोग्राम साइज़ इसका 4K स्टेप होता है, ठीक है। तो सबसे छोटा, सबसे कॉम्पैक्ट पीएलसी यदि FX3 सीरीज़ में देखोगे तो FX3S ही मिलेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं इनके मॉडल की डिटेल। तो देखिए, जो FX3U60MR, FX3U32MR, 48MR, 64MR और 80MR, 128MR, ठीक है। तो ये सारे MR मतलब रिले बेस PLC, यहाँ पर देखिए ये सारे रिले बेस PLC है और इतने इनपुट और इतने आउटपुट होते हैं इसमें, और 100 से 240 वोल्ट AC में टोटल अपने को इसमें 5 मॉडल मिल जाते हैं, ठीक है। ये जो PLC दिखाई दे रहे हैं, MT हो या MR हो, वो लगभग दिखने में सेम दिखाई देते हैं, बस उनमें अंदर का जो फंक्शन होता है वो ट्रांजिस्टर बेस होता है या फिर रिले बेस होता है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन बाहर से जो दिखने में होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं और मॉडल भी सब में सेम मिल जाते हैं, मतलब ट्रांजिस्टर बेस में भी 16, 32, 48, 64, 80 और 128 मिल जाते हैं और रिले बेस में भी सेम मॉडल अपने को ये मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए, FX3U32MRDS, ये है रिले बेस, लेकिन DS का मतलब DC सप्लाई। तो FX3U MRES और FX3U MRDS में यही अंतर है कि जो इसको इनपुट पावर सप्लाई दी जाती है वो 100 से 240 वोल्ट AC या फिर 24 वोल्ट DC दी जाती है। आगे देख लेते हैं FX3U MTES, ये सारे MT का मतलब ट्रांजिस्टर बेस। तो देखिए, इसमें जो आउटपुट टाइप है वो सिंक टाइप है, ट्रांजिस्टर आउटपुट देते हैं, ठीक है ना। और यदि इसमें आप बात करोगे ES, तो ES का मतलब होता है 100 से 240 वोल्ट AC इसको इनपुट अपने को देना होता है। 24 वोल्ट DC सिंक सोर्स हम इन सारे मॉडल को दे सकते हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में डिटेल से इसको देख सकते हो, ठीक है। FX3U16MTDS, इस DS का मतलब होता है DC सप्लाई, ठीक है ना। तो इसको जो हम इनपुट सप्लाई देते हैं वो 24 वोल्ट DC देते हैं और इस पे जो इनपुट आते हैं वो 24 वोल्ट DC के ही आते हैं, ये ट्रांजिस्टर सिंक टाइप के आउटपुट देते हैं। तो FX3U MTES में भी टोटल इतने मॉडल हैं और FX3U MTDS में भी टोटल इतने मॉडल हैं, ठीक है। जितने मॉडल ट्रांजिस्टर बेस में मिलते हैं उतने सारे मॉडल अपने को रिले बेस में भी मिल जाते हैं, और जितने मॉडल अपने को DC सप्लाई में मिलते हैं उतने सारे मॉडल AC सप्लाई में भी मिल जाते हैं। आगे देख लेते हैं FX3U MTESS। अब यहाँ पर देखिए, ESS का मतलब ये होता है कि ये सोर्स टाइप का आउटपुट देता है, ठीक है ना। और 100 से 240 वोल्ट AC पर ये सारे PLC ऑपरेट होते हैं, ठीक है। ये MTDSS का मतलब ये होता है कि ये सोर्स टाइप आउटपुट देता है और 24 वोल्ट DC पर ये ऑपरेट होता है, ठीक है। तो मतलब FX3U MTESS में जो PLC होते हैं वो 100 से 240 वोल्ट AC पर ऑपरेट होते हैं, 24 वोल्ट DC सिंक सोर्स उनको इनपुट हम दे सकते हैं और ट्रांजिस्टर सोर्स टाइप ही आउटपुट देते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो FX3U MTDSS के PLC होते हैं वो 24 वोल्ट DC इनपुट सप्लाई पर काम करते हैं, उनको जो इनपुट दिया जाता है वो 24 वोल्ट DC सिंक सोर्स हम दे सकते हैं और ये ट्रांजिस्टर सोर्स टाइप का आउटपुट देते हैं, इसमें टोटल इतने मॉडल मिल जाते हैं।
अब इसमें एक मॉडल और है ट्रायक बेस, तो देखिए FX3U32MSES, ठीक है। तो ये 100 से 240 वोल्ट एसी पर ऑपरेट होता है और 24 वोल्ट डीसी इसको सिंक सोर्स हम इनपुट दे सकते हैं, लेकिन ये आउटपुट ट्रायक आउटपुट होता है, ठीक है। एक पीएलसी और है इसमें FX3U64MES, ये 100 से 240 वोल्ट एसी पर ऑपरेट होता है और ये भी सेम ट्रायक आउटपुट देता है। FX3UC16MRDT, ठीक है। ये जो PLC होते हैं, C का मतलब होता है कनेक्टर टाइप, तो इन सारे PLC में कनेक्टर लग जाते हैं और कनेक्टर केबल यहाँ से लेकर पैनल की वायरिंग तक जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि पैनल में ज़्यादा वायरिंग अपने को दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। जो रिबन केबल आते हैं उसके थ्रू इसमें कनेक्शन हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक PLC रिले बेस है और बाकी जो PLC हैं वो ट्रांजिस्टर सिंक टाइप के हैं, और इसमें D का मतलब होता है 24 वोल्ट DC पर ये ऑपरेट होते हैं। 24 वोल्ट DC सिंक इसको हम इनपुट दे सकते हैं, और ट्रांजिस्टर भी ये सिर्फ और सिर्फ सिंक टाइप का ही आउटपुट देता है, ये सोर्स आउटपुट नहीं देता है। अब देखिए इसमें एक PLC है FX3UC16MRDST। इस PLC को हम 24 वोल्ट DC सिंक और सोर्स दोनों टाइप के इनपुट दे सकते हैं और ये रिले बेस आउटपुट देता है। तो कुल मिला के ये जो PLC हैं इनको सिंक इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है और ये ट्रांजिस्टर सिंक आउटपुट ही देते हैं, ठीक है। और यदि हम सिंक और सोर्स इनपुट की बात करें तो ये सारे PLC मतलब जो MTDSS सीरीज के PLC हैं वो सारे सिंक और सोर्स दोनों इनपुट को सपोर्ट करते हैं और जो ट्रांजिस्टर सोर्स टाइप का आउटपुट जनरेट करते हैं, ठीक है ना। FX3GE24MRES, तो जो FX3G PLC होते हैं वो इस तरह से दिखाई देते हैं। इन PLC के पावर सप्लाई की बात करें तो ये 100 से 240 वोल्ट AC इनपुट पर भी काम करते हैं और ये 24 वोल्ट DC और 24 वोल्ट DC में भी इसके मॉडल मिल जाते हैं। और यदि इसके इनपुट टाइप की बात करें कि इसके टर्मिनल पर सिंक इनपुट देना चाहिए या सोर्स इनपुट देना चाहिए, तो इसमें सिंक एंड सोर्स दोनों इनपुट हम दे सकते हैं, सारे PLC सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और आउटपुट की बात करें तो कुछ PLC इसमें रिले टाइप आउटपुट भी देते हैं, कुछ PLC ट्रांजिस्टर सिंक आउटपुट देते हैं और कुछ PLC इसमें ट्रांजिस्टर सोर्स टाइप का आउटपुट भी देते हैं। जहां पर MR लिखा होता है उसका मतलब होता है रिले बेस PLC, और जहां पर MT लिखा होता है उसका मतलब होता है ट्रांजिस्टर बेस PLC। DS का मतलब होता है DC सप्लाई और ESS का मतलब होता है AC सप्लाई, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं FX3GC32MTD FX3GC32MTDSS, ठीक है ना। इसमें सिर्फ दो ही मॉडल है, मतलब FX3GC में सिर्फ दो मॉडल है जो कि कनेक्टर टाइप की PLC होते हैं। एक PLC इसमें 24 वोल्ट DC सिंक इनपुट लेता है और दूसरा जो PLC है वो सिंक एंड सोर्स दोनों इनपुट सपोर्ट करता है, और जो MTD PLC होता है वो ट्रांजिस्टर सिंक टाइप का आउटपुट देता है, और जो MTDSS PLC होता है वो ट्रांजिस्टर सोर्स टाइप का आउटपुट देता है। सो दोस्तों, FX सीरीज की जो PLC होती है उन PLC में FX1S सीरीज के PLC भी होते हैं, FX1N सीरीज के PLC होते हैं, 2N सीरीज के PLC होते हैं, FX2NC सीरीज के भी PLC होते हैं, और FX3 में जितने PLC होते हैं उनकी सारी आपको डिटेल मैंने बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे IQF सीरीज के PLC के बारे में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।